हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सीएन अकुल कठेरिया आपको समझाने आया हूं अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी। एस योर अकाउंटिंग एग्जाम अकाउंट्स की 80 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी फॉर जनवरी 2025। जनवरी 2025 का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, रिवीजन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी प्रैक्टिस करें, कौन कौन से क्वेश्चंस करें, कैसे कितनी बार रिवीजन करें, कोर्स तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। इन सारी बातों का मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको एक एक बातें मेरी समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों बातचीत चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, अभी अपनी प्रेजेंट स्थिति देखिए। अभी आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास 4 महीने बचे हैं। हम सितंबर में बैठे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि जनवरी में तो आपका एग्जाम ही है। 4 महीने के अंदर भूलिए नहीं, अभी गणेश चतुर्थी चालू हो जाएगी, उसके बाद में नवरात्रे चालू हो जाएंगे, दुर्गा पूजा चालू हो जाएगी, दिवाली आ जाएगी, गुरुपूरब आ जाएगी, तो आप मान के चलिए 20 से 30 दिन आपके फेस्टिव सीजन में जाने ही जाने हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए कि नहीं नहीं मैं तो स्ट्रिक्टली पढ़ाई करूंगा, नहीं नहीं मैं तो बहुत डिसिप्लिन में रहूंगा, लेकिन दिल तो बच्चा है जी, बात समझिए। और ये बड़ी नॉर्मल बात है कि जब हमारे आसपास फेस्टिव मूड होगा तो मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो मैंने पहले ही वो 20 से 30 दिन साइड निकाल दिए हैं, तो इफेक्टिवली आपके पास में 3 महीने हैं। उन 3 महीने में आपको 4 सब्जेक्ट करने हैं। कैसे मैनेज करें, इफेक्टिव स्टडीज कैसे करें, रिवीजन कैसे करें और प्रैक्टिस कैसे करें, आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि इन 4 महीनों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को प्लान कैसे करना है। प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है अपना पूरा कोर्स करिए। अगर आप बात को समझिए, 100 नंबर में से अगर आपने अपना कोर्स ही 40 मार्क्स का करा है या फिर 70 मार्क्स का करा है या फिर 80 मार्क्स का करा है, तो क्या मैं कहूं आपने 20 नंबर तो वैसे ही गवा दिए। आप बात को समझिए ना ध्यान से, अगर आपने कोर्स पूरा करा ही नहीं तो आपने एग्जामिनर को सीधा सीधा बोल दिया कि बाकी दुनिया 100 नंबर का पेपर करेगी और मैं 80 नंबर का पेपर करूंगा। अरे भाई, अगर आप 80 नंबर का पेपर ही करोगे तो 80 नंबर लाओगे कैसे। इसीलिए सबसे पहली चीज है कोर्स पूरा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कब होना चाहिए, मैंने ये कहा आप जब भी करें लेकिन कोर्स पूरा करें और कोर्स अच्छे से करें, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रैक्टिस कहां से करें। मेरे भैया, मैं बार बार लगातार एक ही चीज को बोलता हूं कि प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले स्टडी मैट और उसके बाद PYQ, RTP और MTP करें। इसके अलावा अगर आप कुछ ना भी करेंगे तो भी चलेगा। बच्चा कहता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, और ना SM करता, ना RTP करता, ना PYQ करता, सब छोड़ के किसी टीचर की किताबें करने लगता है ना। सबसे पहले प्राइम रिक्वायरमेंट है इन 4 चीजों को खत्म करना। अगर ये 4 चीजें आप कर लोगे तो मैं आपको आज वादा करता हूं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अकाउंट्स में 80 से ज्यादा नंबर आप लेके आओगे ही आओगे। उसके बाद आती है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, पहली बात, रिवीजन के लिए सिलेबस कंप्लीशन का वेट नहीं करना आपको। कई बच्चे ये सोचते हैं पहले सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद रिवीजन करेंगे। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि पहले सिलेबस खत्म होगा उसके बाद रिवीजन करेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, सीधी सिंपल बात। क्यों? क्योंकि सिलेबस खत्म होने में लगेंगे अभी मान लीजिए 2.5 महीने 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया, अबे दिसंबर में कितनी रिवीजन कर लेगा भाई। इसीलिए कॉन्करंट रिवीजन करिए। अब ये कॉन्करंट रिवीजन क्या होती है, मान लीजिए आपका BRS का चैप्टर हो गया, आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर चल रहा है, तो BRS का रिवीजन कर लीजिए। तो जैसे ही आप BRS का रिवीजन करेंगे, डेप्रिसिएशन चल रहा है तो डेप्रिसिएशन चलता रहेगा, BRS करके रिवाइज भी हो गया। ऐसे ही डेप्रिसिएशन का रिवीजन करिए, अगला चैप्टर जो भी चालू हो गया हो क्या फर्क पड़ता है, रिवीजन जरूरी है। आप कुछ इस प्रकार का प्लान बनाइए कि भैया
अगर आप हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन पढ़ रहे हैं तो 5 दिन नई चीज पढ़िए और 2 दिन पुरानी चीज पढ़िए, ताकि आप अपने जीवन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो ना अपनाएं। पहले ही एडवांस में करके चलिए कि भाई मेरे को 3 चैप्टर इस महीने करने हैं, 3 चैप्टर इस महीने करने हैं, 3 चैप्टर इस महीने करने हैं, या 4 करने हैं, या 2-2 का कॉम्बिनेशन करना है। हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन रिवीजन कॉन्करेंट करना होगा। कृपया करके ये बिल्कुल ना सोचें कि पहले मैं प्रैक्टिस करूंगा और या पहले मैं कोर्स कंप्लीशन करूंगा उसके बाद रिवीजन करूंगा। इन बातों का बहुत 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 ख्याल रखना है। इफेक्टिव स्टडी स्ट्रिप क्या होनी चाहिए मेरे बेटा? सबसे पहली बात, अकाउंट्स के पेपर में कृपया करके तुक्के ना लमारें, पेन पेपर से लिख लिख के सॉल्व करें। नंबर 2, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, पूरा का पूरा कंटेंट करना है, पूरा का पूरा लिखना है। जब आप प्रैक्टिस करते टाइम ये बातें करोगे तभी आप पेपर में भी कर पाओगे। अभी के लिए केवल 2 बातों को फॉलो करिए कि पूरा लिख के काम करें और उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म यूज ना करें। जहां वर्किंग नोट बनाने हैं वहां वर्किंग नोट बनाएंगे। इतनी बातें याद रखेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इतनी बात याद रखेंगे ना तो आप 80 से ज्यादा नंबर 110% लेके आएंगे, मैं आपको वादा करता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटा, टीचर्स डे आ रहा है, अब ध्यान से देखिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। जैसे ही आप यहां जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके बैचेस खुल जाएंगे। जैसे ही आप बैचेस खोलते हैं, ये देखिए ये हमारा आएगा यहां पर, हमारा यहां पर आ जाएगा संकल्प बैच। ये मैंने यहां से फाउंडेशन खोल लिया। जैसे ही मैं फाउंडेशन खोलता हूं, फाउंडेशन खोलते ही मेरा आता है संकल्प बैच। संकल्प बैच आ गया। संकल्प बैच को आपको एनरोल करना है। यहां एनरोल करें आपने, संकल्प बैच में गए, संकल्प बैच में जाके यहां गया व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान। हमारे पास में 2 प्रकार के प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस के अंदर आपको बुक्स नहीं मिलती, आइकॉनिक में आपको बुक्स मिलती हैं। मान लीजिए मैं जाता हूं आइकॉनिक पे, 2000 रुपए पर महीने दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए ये मेरा आइकॉनिक का प्लान आ गया, 24 महीने 18 महीने और 15 महीने। अगर मैंने व्यू ऑल प्लान्स करा तो 12 महीने 9 महीने और 6 महीने का भी आ गया। आपको कुछ नहीं करना, याद रखिए अभी ऑफर आने वाला है, 10% ऑफ भी हो सकता है, 20% ऑफ भी हो सकता है, 30, 40, 50 कुछ भी ऑफ हो सकता है। लेकिन जब भी आप कोड लगाएं तो याद रखिएगा CANK10 लगाइएगा। अभी आप CANK10 लगा रहे हो तो सीधे आपको 30% का ऑफ मिला है दोस्तों। देख लीजिए, ये देखिए ध्यान से, 30% का ऑफ मिला है। ये ऑफ कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा और इस तरीके से पढ़िएगा। धन्यवाद।